आज से कम 17 साल पहले खेसरी गांव में रहे, इस गांव की धरती पे ही मुझे उपलब्धि मिली। उस समय बहुत सारे बच्चे गाते थे और भैया ने हमको बुलाया था और मैं गाना गाया था वहां पे कि ये हो बनमुआ तो इस गांव की धरती ने खेसारी जैसे लाल को पैदा किया और आज वही लाल आप सबसे बस विनती करने आया है एक ऐसे हवा के लिए जिसको रोकने के लिए पूरी दिल्ली की कैबिनेट आ गई, जिसको रोकने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई। भाई हवा के कहीं रोकने वाले, अब पवन ऐसे हवा है कि अपने बाप के बदौलत नहीं, किसी नेता के बदौलत नहीं, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत करेंगे। और जो अपने लोगों के पानी डालने से बड़ा होता है वो आम बीजू ना होला मालदे होला, आम बीजू ना है मालदे है। जिंदगी में खेसारी लाल लिट्टी बेचकर बड़ा हुआ है तो ये आदमी अपना पोस्टर चिपका के बड़ा हो रहा है। तो हम हमारे पिता बहुत बड़े नहीं है, आज हम अपने अपने माँ बाप के बच्चे नहीं बल्कि आप सबके बच्चे हैं, चाहे वो खेसारी है चाहे पवन हो। और जिंदगी में अरे पगले कमजोर लोग में किसी पार्टी के भरोसे चलते हैं, ये राजा आदमी है राजा, और जिसके साथ प्रजा हो उसको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आप हैं और आप सबके पास हैं, क्योंकि आप कब तक नहीं चाहेंगे। इस दुनिया में कोई ना नेता बन सकता है ना अभिनेता। इस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, घर है मकान है गाड़ी है एसी है बहुत सारा ऐसे भाई। तो एक आदमी ये सारे ऐसे आराम को छोड़ के, भैया थोड़ा पीछे हट जा, थोड़ा पीछे हट जाओ भैया लोग देखे में दिक्कत होगा। इतने सारे ऐसे आराम को छोड़ के आप लोगों ने पवन सिंह को स्टार बना दिया, अब रिटर्निंग की बारी है। पवन अभी तक संगीत में आपके लिए मनोरंजन कराते थे, अब पवन से लेना है हमें और पवन से अब हमें विकास चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये सेल्फी वाले लफुए हैं, इनको पता नहीं है ये काराकाट की इतिहास बदलने वाले जवान हैं। ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, मैं भी काराकाट का नाम नहीं जानता था, गांव का नाम जानता था लेकिन लोकसभा काराकाट क्या है मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ काराकाट में हो रहा है। पूरे यूट्यूब से लेके गूगल से लेके न्यूज से लेके सिर्फ काराकाट बिहार में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। एक पवन सिंह के आने से, एक पवन सिंह के आने से काराकाट काराकाट नहीं रहा, ये विधानसभा हो गया भाई। तो जिंदगी में एक इंसान आपके बीच में आकर आपके आपके लोकसभा को ही इतना बड़ा कर दिया हो तो सोचो जब वो जीत के जाएगा संसद भवन में जब आपके विकास के लिए बात करेगा तो कोई नजारा कैसा होगा। प्यार से भाई को अरे अरे के पानी पिला दिया कर तभी ठीक नहीं खाए धरा। तो जिंदगी में एक चीज हमेशा रखिए कि हम अभी तक नेता चुन रहे थे, क्या हम गरीबों को बैठने का हक नहीं है? तो जो हमारे हक को मारता है सबसे पहले उसे मारेंगे, जो हमारे अधिकार देता नहीं है सबसे पहले अपना अधिकार पाने की क्षमता रखते हैं। तो जिंदगी में हमने अपने मेहनत से सारी चीजों को लिया है और एक बेटा एक भाई और पवन सिंह, मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह पैसे और शोहरत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं पवन सिंह आपके दर्द के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए पवन जरूरी इसलिए है कि ये आदमी हवा है,
ये सारे विरोधियों के अंदर घुसने वाला है। थोड़ा सा पीछे